मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में अब वोटिंग को कुछ ही दिनों का वक्त बचा और ऐसा माना जा रहा है कि किसान जिसे वोट डालेगा वही मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर राज करेगा। आपको क्या लगता है, हम फिलहाल उज्जैन की लोकसभा सीट के किसानों के बीच है, क्या क्या काम करते हैं हम खेती करते हैं, ये बताएं आप कि इस बार क्या मूड है किसानों का, क्या मूड है, काफ़ी चुप्पी साध रखी किसानों ने भाई। इसलिए कि जो समर्थन मूल्य पे गेहूँ खरीदना था उसमें भी जो सही बोनस मिलना था वो नहीं मिला है, ठीक है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, किसी को आज तक रोजगार नहीं मिला है मोदी शासन में। तो क्या लगता है आपको कि जो मोदी जी के खिलाफ वोटिंग हो सकता है इस बार किसान? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, मोदी जी के खिलाफ ही होगा। आपको क्या लगता है सर, जो कार्य करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो कार्य करेगा नहीं उसको वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई एजुकेशन नहीं है, सारे लड़के काम काज मजदूरी कर रहे हैं, उनको कोई कार्य नहीं मिल रहा है, पढ़ी सबने डिग्री करी एक से एक लेकिन उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप तो चूंकि किसान परिवार से जुड़े हैं तो खेती किसान के लिए क्या किया सरकार ने, कुछ किया? 2000 रुपये आते हैं सर, 12000 रुपये दे रहे हैं किसानों के लिए, लाडली बहनों को भी दे रहे हैं, लाडली बहन की योजना के आ रहे हैं पेमेंट सर। तो क्या लगता है नाकाफी है और चाहिए कुछ? अरे दो उधर दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधा है सर। क्या लगता है आपको? हमें तो एक अगर 1000 रुपये दे रहे उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 1000 रुपये दे रहे उसके बदले कितने सारे रेट बढ़ गए, बिजली का भी लंडसंड आ रहा है, और स्कूल ठेके में दे दिए और रेलवे ठेके में दे दी मोदी ने, और जो है बिजली भी ठेके में दे दी सब। आपको क्या लगता है क्या इस बार लोकसभा चुनाव में किसानों का क्या मूड है? किसानों का मूड है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस को वोट डालेंगे। अच्छा, किसान काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आपको क्या कुछ योजना का लाभ मिल पाया अभी तक? अरे योजना का लाभ तो मिल ही रहा, तो ये जो सही वादों करे पूरा नहीं कर रहा है मोदी सरकार, यादव जो करिए किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। हाँ जो भी है वो कहीं करे, सम्मान निधि भी कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है क्या आपको किसान सम्मान निधि भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, आधे को मिल रही है, आधे को नहीं मिल रही है। कि अभी 2020 से बंद कर दी, फिर सम्मान एक जैसा होना चाहिए ना सबके लिए। 2020 से मेरे पास भी है तो बोले 2020 के बाद में नए आवेदन बंद कर दिए बोले। आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं? अपन तो उधर आगर से पास में। अच्छा, तो ये बताएं आप जो किसान हैं आप कौन से किसान परिवार से? किसान में विश्वकर्मा है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। तो ये बताएं आप क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार लोकसभा चुनाव में? अभी तो नहीं बने एल के तो या सरकार है। किसकी सरकार नहीं बनी? कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार में कारण? कारण ये कि कोई भी फायदे नहीं मिल रहे हमारे, तो किसान है तो किसान है मिलते हुआ तो अपना मजदूर वाला तो कहीं फायदे भी तो नहीं मिल रही है, अपना भी कुछ भी काई फायदा नहीं मिले न, तो अपना है मतलब यो पैसा मिल रहा कि न्यू खेती अपने पास में ये कहीं कोई मजदूरी कर जाती। तो ये किसानों के मन की बात आपने सुनी कि किस तरीके से वो ये बोल रहा है कि इस बार किसान जो है वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। हालांकि हमारी कुछ ही किसानों से बात हुई है लेकिन जो किसान है उनका ऐसा मानना है कि जो सरकार ने जो वादे किए थे फिलहाल वो वादे पूरे नहीं हुए, और निश्चित रूप से अगर किसानों की ऐसी भावना रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव की जो मतदान की तारीख है वो नज़दीक आ रही है और ये चुनाव बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। विक्रम सिंह जाट, ABP न्यूज़।